इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप जीमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है जीमेल आईडी कैसे ऐड करते हैं, यानी कि लॉगिन करते हैं अपने फ़ोन में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साइन इन करना। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा नोकिया के फ़ोन में। सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इनमें से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। गूगल पे जैसे ही आपको गूगल अकाउंट पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर जीमेल आईडी ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि मेरा दिख रहा है। अगर नहीं किए होंगे तो आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल पे, ये रहा गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका अकाउंट जो भी आपका लॉक होगा उसको खोल दीजिएगा। खोलने के बाद आप यहां से अपना गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे डाल लेता हूं फटाफट, जैसे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं मुकेश। @gmail.com आपको लिखना है और यहाँ पे आपका भी ऐसे यूजर नेम होगा उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा डाल दीजिए और आपका जो कि जीमेल आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड जरूरी है डालना, बिना पासवर्ड के आप नहीं लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं।